बीजेपी तो मजबूत है ना इस समय? तो बीजेपी मजबूत है, लेकिन इस समय मजबूत अब नहीं है। अब मजबूत नहीं है? अब मजबूत नहीं है। 400 पार का नारा प्रधानमंत्री? अरे 400 पार का नारा झूठे लगावे तो उससे कोई फायदा थोड़ी है। वो तो कहते हैं कि 500 नहीं और आगे बढ़ जाए तो माने उससे कोई फायदा थोड़ी है। यूपी में भी कह रहे हैं कि 80 में 80 किसी का नंबर लगने वाला नहीं है। 80 में वो 10-5 पा जाए बहुत है। मतलब फार्म भरे मतलब तब हमारा मतलब थाना आई आई। हाँ। और मोदी जी का 5 किलो देते हैं तो उसमें क्या होगा? हाँ, 5 किलो राशन तो देती सरकार। और उन और जाओ बाजार में तो राशन महंगा मिलता है। हाँ। और जो हम लोगों का घर में गेहूं चावल है वो महंगा जाता है, मतलब सस्ता जाता है। हाँ। जो मतलब बेचने होता सस्ता बिकता। हाँ। है बाजार से लीजिए तो महंगा मिलता। हाँ, है ये कहना। हाँ, महंगा मिलता है। तो आप तो पढ़ी लिखी हैं, तो सरकार के काम से संतुष्ट नहीं है? नहीं संतुष्ट नहीं है बिल्कुल एकदम। मोदी जी से हमको मोदी जी से हाँ मोदी से हमको मोदी जी कुछ नहीं दिए, कुछ नहीं मिला। नहीं सरकार जो है इससे लड़ाई के क्षेत्र में नहीं है। कौन लड़ाई में नहीं है? भाजपा मोदी सरकार। मोदी जी तो 5 किलो राशन दे थे ना। राशन से क्या मतलब है? राशन 5 किलो दिए, 5 किलो से हम एक महीना खाएंगे, बच्चे हमारे क्या खाएंगे, हम लोग क्या खाएंगे? हमारा पेंशन भी नहीं बनवाया और एक थे किसान पेंशन दिया उसको भी इधर उधर काट दे रहे हैं, हमको भी नहीं बराबर मिलता रहता है। वोट पड़े वाला बा का मन बनवत गई हो? हम मन बने हैं हम मोदी को वोट नहीं देंगे। का ही माता जी क्या हम लोग को दिया है? 5 किलो राशन देता है। और 5 किलो में हम एक महीना खा जाएंगे? हाँ, 5 किलो राशन तो मिलता ही है, फिर राशन नहीं चाहिए? नहीं। स्थिति में मछली चार में सपा जीतेगी? सपा जीत जाएगी। जीत जाएगी। बीपी सर वो सांसद रहे, काम तो बढ़िया रहे। बिल्कुल काम नहीं किए हैं, कभी क्षेत्र में आते ही नहीं है। क्षेत्र में आते नहीं है? नहीं नहीं नहीं। अच्छा अच्छा जी, यहाँ विरोध था बड़ा लोगों का कि जो है ब्राह्मण ठाकुर भी कुछ नाराज हैं। क्या वो नाराज की बा? नाराज तो दिखते हैं बीपी सरों से। बीपी सरों से ब्राह्मण ठाकुर नाराज दिखते हैं कुछ। अच्छा। नमस्कार, भारत कवरेज न्यूज के लिए मैं विभास यादव आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। 2024 लोकसभा का चुनाव जो है इस समय चल रहा है, चौथे फेज की वोटिंग भी हो रही है और चुनावी यात्रा 2024 जो कार्यक्रम हमारा चल रहा है, मैं जगह जगह पहुंचकर माहौल जानने का प्रयास कर रहा हूं। इस समय मेरी मौजूदगी जो है मछली शहर लोकसभा क्षेत्र में है और यहां मैं पहुंचा हूं कि माहौल जानने का प्रयास है कि आखिर लोग किधर जा रहे हैं, वोटिंग कर रहे हैं, सरकार के पक्ष में है कि विपक्ष में जा रहे हैं। मछली शहर की स्थिति मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ से भाजपा ने अपने सेटिंग सांसद बीपी सरोज का टिकट दिया है। बड़ा विरोध था लेकिन उसके बाद भी टिकट मिला है उनको, नाराजगी लोगों की दिख रही थी। समाजवादी पार्टी ने भी जो इंडिया बंधन है उससे पूर्व सांसद तूफानी सरोज की बेटी प्रिया सरोज को मैदान में उतारा है। वहीं बहुजन समाज पार्टी जो है कृपा शंकर सरोज का अपना प्रत्याशी बनाया है। तो ऐसे मैं जो है मछली शहर क्षेत्र के एक भटहर गांव है वहां पहुंचा हूं। ये जो लोग हैं और इन्हीं से हमारी चर्चा हो कि आखिर क्या माहौल लोग देखते हैं। क्या नाम है सर आपका? श्याम सूरत। क्या माहौल देखे थे हम, के जीते वाली स्थिति में कौन जीत रहा है? अरे जीत रही है कौन, प्रिया सरोज है। हाँ हाँ। वही जीत रहे। अच्छा, वो जीतेंगे। अच्छा, सरकार से बीपी सरोज भी हैं, सरकार रिपीट होती दिख रही है कि नहीं? या जो है बीजेपी तो मजबूत है ना इस समय? तो बीजेपी मजबूत है लेकिन इस समय मजबूत अब नहीं है। अब मजबूत नहीं है? अब मजबूत नहीं है। 400 पार का नारा प्रधानमंत्री? अरे 400 पार का नारा झूठे लगावे तो उससे कोई फायदा थोड़ी है। वो तो कहते हैं कि 500 नहीं और आगे बढ़ जाए तो माने उससे कोई फायदा थोड़ी है। यूपी में भी कह रहे हैं कि 80 में 80 किसी का नंबर लगने वाला नहीं है। 80 में वो 10-5 पा जाए बहुत है। अरे वो तो कह रहे हैं कि 5-6 भले विपक्ष ऐसे। अरे उनके कहने से हो जाएगा क्या? 72-72 रह जाए भले पौ, उनके कहने से हो जाएगा? अच्छा, तो जनता वोट देगी। हाँ, हाँ। तो क्या लगता है क्यों नहीं देगी जनता? अरे जनता उनका 5-10 साल का कार्यकाल देख लिया गया, बेरोजगारी इतनी चरम सीमा पर है। उन्होंने कहा इसके पहले कि 2-3 लाख नौकरी देंगे लेकिन एक भी नौकरी नहीं दे पाए। अच्छा, एक भी नहीं दे पाए। 5 किलो 2 किलो 4 किलो गेहूं दे करके, चावल दे करके जनता को खाली जिला रहे हैं, बस इतना ही काम है। रोजगार देने में एकदम फेल है। रोजगार से सरकार फेल बता रहे हैं। हाँ, महंगाई बता रहे हैं आपकी। महंगाई तो है ही है, महंगाई की मेन मुद्दा हमारा तो नहीं है भाई। अच्छा। हमारा तो है कि रोजगार अगर मिलेगा। हाँ। तो आदमी 10 आदमी को खिला सकता है लेकिन 5 किलो से कितना खिलाएगा? 5 किलो राशन से ही तो सरकार बदल जा रही है।
पाँच किलो राशन से सरकार नहीं बदल रही है, पाँच किलो रोजगार से बदल रही है। मतलब रोजगार का मुद्दा मेन आप मानते हैं? मेन थोड़ा सा है। क्या नाम है आपका? दीप नारायण चौहान। खड़ा ही खड़ा रहे प्रधान जी, खड़े रही। क्या का आप देख रहे हैं जो है इस बार? तो भाजपा सरकार जो है हाँ। लड़ाई के क्षेत्र में नहीं है। कौन लड़ाई में नहीं है? भाजपा मोदी सरकार। मोदी जी तो 5 किलो राशन दे थे ना। राशन से क्या मतलब है? राशन 5 किलो दिए, 5 किलो से हम एक महीना खाएंगे, बच्चे हमारे क्या खाएंगे, हम लोग क्या खाएंगे? हमारा पेंशन भी नहीं बनवाया, और एक थे किसान पेंशन दिया, उसको भी इधर उधर काट दे रहे हैं, हमको भी नहीं बराबर मिलता रहता है। इसीलिए हम लोग खिन है। ये दूसरी बात यह है, परिस्थिति यहाँ की बहुत गड़बड़ चल रही है। क्या गड़बड़ है? गड़बड़े है मोदी सरकार ने इसका, और अब दुरुपयोग किए, जो हरिजन बनाम सवर्ण जो लगा करके भिजवा दे रहे हैं। हाँ। सब सारी गृहस्थी सब परिवार खिन है। अच्छा। पूरी परिवार खिन नहीं, लोगों से गाली गलौज देते हैं, कोई भी बोलता नहीं। अगर किसको बोलता है तो हरिजन बनाम सवर्ण हरिजन चढ़ जाते हैं और कहते हैं चमैया कहने पर मुकदमा दर्ज होता है। अच्छा। एस टी लगता है, ये क्या बात है? यानी जो SC ST का कानून है उससे भी आपकी नाराजगी है? हाँ, बिल्कुल नाराजगी है। का सरकार भी इस पे कदम उठाना चाहिए था? नहीं उठाना चाहिए था। नहीं, मतलब सरकार को इस पे कुछ सोचना चाहिए था कि सोचना था, चाहिए अच्छा, था। कि ये गलत होता है? ये गलत होता है। आप वहाँ बैठे हैं, लेकिन अधिकारी लोग जो आते जाते हैं भाजपा के क्षेत्र के, हाँ। लोग जानना चाहे उसको जानकर आपको बताते हैं। यानी आप एक मुद्दा ये बता रहे हैं कि जो SC ST लगता है, जो दुरुपयोग हो रहा है, उसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए? हाँ, नहीं होना चाहिए। आइए थोड़ा सा, क्या नाम है आपका? अशोक चौहान। अशोक जी, क्या माहौल देख रहे हैं? माहौल तो नहीं है मछली शहर में। बीजेपी किसका नहीं है? बीजेपी का नहीं है? बीजेपी का नहीं है। कैसे नहीं, किस बीच से बता रहे हैं? क्या नाराजगी लोगों की? नाराजगी यही है कि राशन से नहीं काम चलेगा ना। हाँ। राशन से काम नहीं चलेगा। अच्छा, और क्या मुद्दा है? और मुद्दा है नौकरी चाकरी ये सब कोई है नहीं। अच्छा, बेरोजगारी का मुद्दा? हाँ, है। मुद्दा है ये। अच्छा, सब लोग ऐसा घूम रहे हैं। अच्छा, सर नाराजगी सरकार से भी है जो है, कुछ लोग और भी है, थोड़ा सा इधर जो है चले आइए, इसे जो पूछ लेते हैं। आइए आइए इधर उतर के, हम तो सब महिलाओं से बात कर रहे हैं, आइएगा। का नाम हो माता जी? सावित्री देवी। यादाएं वोट पड़े वाला बा, का मन बनवत गई हो? हम मनोज मन बने हैं, हम मोदी को वोट नहीं देंगे। का ही माता जी? क्या हम लोग को दिया है? 5 किलो राशन देता है। हाँ। और 5 किलो में हम एक महीना खा जाएंगे। हाँ, 5 किलो राशन तो मिलता ही है, फिर राशन नहीं चाहिए? नहीं। का है, का चाहत हो तब? का हो चाहे? अरे हम लोग के भाई कुछ हाला रोजगार दे। अच्छा, रोजगार? हाँ, हमारा सबका बाल बच्चा रोजगार करे, जिये खाए। अच्छा, एक एक लड़के चार चार बच्चे हैं तो कैसे जियेंगे? हाँ, मतलब यही रोजगार हो गए, चाहे राशन काम न चले। हाँ, नहीं सही कह रहे हैं माता जी। आपका नाम हो? बोले बोले, क्या नाम हो? बोले इरावती। सरकार के वोट वो कहा थे न देव, का सही कहा था न दे चाहे? नहीं, कहे तो है, तू का माना था? वही 5 किलो राशन तो मिले थे ना। हाँ, 5 किलो राशन से जेकर परिवार है ना तो कैसे चले साहेब? 5 किलो राशन ना? नहीं, तो वो बदले में का चाहत है? रोजगार चाहत है। अच्छा, नौकरी चाकरी? हाँ, नौकरी चाकरी चाहत है। और गरीब मनाई है, लोन सोन लिए है, नहीं माफ हो चाहता। अच्छा, चाहता। हाँ, तब ये साहब मतलब जिसे गरीबी है, ये लोन लिया है, कोई लोन माफ कर दे तब ठीक है। हाँ, ठीक। राशन से काम नहीं चलने? नहीं नहीं। अच्छा, का नाम हो? चंद्रावती। ये कहा था, सही कहा था? हाँ, सही कहा था। सही कहा था? सही। 5 किलो राशन तो मिला था ना? तो 5 किलो में साहब हम खाई की गदेली गदेला खियाई, उतने से का होए? तब का चाहता? लड़कियां हमार भी वो था घूम रहा था है नहीं। हाँ। तब उतने से हमार कैसे बीते? एक को नौकरी चाकरी ना, नौकरी जरूरी बा? हाँ, नौकरी तो हम लड़कियन के हमारे जरूरी बा। सरकार से आप सब चाहते हैं नौकरी मिले? हाँ, सरकार से हम चाहते थे कि नौकरी मिले। अच्छा, सरकार कहा था हम राशन दे थे, सब खाद पीत पड़ा है। 5 किलो में कैसे होगा? 5 किलो में कई दिन खा, जब चट्ठे परिवार हैं 10 ठे तो 5 किलो में कैसे चली? 5 किलो कम बा? 5 किलो? अच्छा, 5 किलो राशन से ही काम तो चले ना? ना, हमारे लड़कियन के नौकरी चाहे। नौकरी चाहे? थोड़ा सा बगल हो जाए, आगे हमें। क्या नाम हो? रूपा। रूपा, बताओ क्या मतलब है? सरकार ठीक काम करता ही? नहीं नहीं ठीक करता ना। 5 किलो राशन तो देता ना? अरे राशन हम कई जने खाबे, गरीब मनाई हमारा लोन निकाला बस साहब, ना माफ बा। अच्छा, लोन और कर्जा और माफ चाहत है? कर्जा माफ चाहत है, हमारा लड़का दूठे हैं, उन्हें नौकरी चाकरी चाहत है। नौकरी चाहत? हाँ, बहुत गरीब आदमी है। मतलब मुद्दा कुल मिला जो एक सब चाहते हैं कि नौकरी चाहत, राशन से काम ना। राशन से का चले साहब, का चार दिन में खाबे करी बस, तो और आगे कहाँ से मिले? खेत की यारी उतना ना, हम सब गरीब मनाई है। अच्छा।
का नाम हो? लक्ष्मी। लक्ष्मी प्रजापति। तो कैसे? लक्ष्मी प्रजापति। अच्छा, लक्ष्मी जी बताओ कुछ पढ़े हो रहे हैं? हाँ सर, बीए तक। बीए के हैं तब तो आप पढ़े लिखे हैं ना? तब हमको नौकरी ना मिला सर, इतना हम बीए पढ़े लिखे रहे सर, मतलब इतना हम पढ़ी लिखी रहे, हर चीज मतलब फार्म भरे, मतलब तब हमारा मतलब उठा ना आई। और मोदी जी का 5 किलो देते हैं तो उसमें क्या होगा? 5 किलो राशन तो देती सरकार। और उन और जाओ बाजार में तो राशन महंगा मिलता है, और जो हम लोगों का घर में गेहूं चावल है वो महंगा जाता है, मतलब सस्ता जाता है। हाँ? जो मतलब बेचने होता सस्ता बिकता है, बाजार से लीजिए तो महंगा मिलता है, ये कहना चाहिए। हाँ, महंगा मिलता है। तो आप तो पढ़ी लिखी हैं, तो सरकार के काम से संतुष्ट नहीं है? नहीं, संतुष्ट नहीं है बिल्कुल एकदम, मोदी जी से। हमको मोदी जी से? हाँ, मोदी से। हमको मोदी जी कुछ नहीं दिए, कुछ नहीं मिला? नहीं। अच्छा, सरकार तो कह रही है कि एकदम जनता खुश है, 5 किलो राशन देते हैं, सुख सुविधा। खुश है ना, भले सब शौचालय वगैरह सब बनवा दे रहे हैं गांव में, और सब जो सुविधा दे रहे हैं सब। शौचालय बनवा रहे हैं सर, तो उसमें 10,000 रुपए से क्या होने वाला है? 10,000 कुल मिलता है? हाँ, बस 10,000 मिलता है शौचालय बनाने के लिए, तो उसमें हो जाएगा? अच्छा, उसमें भी नहीं होने वाला है? उसमें नहीं होने वाला है। तो क्या चाहिए, मेन क्या चाहती हैं? नौकरी? हमको नौकरी चाहिए सर, और बेरोजगार मतलब हमेशा चलता रहे, रोजगार लोगों को। हाँ, मिलता रहे। चलिए ठीक है, तो पैसा। क्या नाम हो तुम्हारा? एक कहते सही? हाँ सही है। सही कहते हैं कि तू गलत है सब बोला था? नहीं, गलत नहीं, बिल्कुल सही बोल। सरकार राशन से ना संतुष्टि? नहीं, राशन बढ़िए तब ठीक बा, की नौकरी चाहे? नहीं, नौकरी चाहे, राशन नहीं। नौकरी चाहे, राशन से ना मतलब जोन हो। कैमरा ध्यान धीरे ना। क्या नाम है आपका? देवराज। ये सरकार जो इस बार जो माहौल है यहाँ मछली शहर में, का लागत के जीते हारे की स्थिति में दिखाता आपके? मोदी सरकार तो न जीते। न जीते ना, कौन बढ़िया काम किए हैं? कौन सा बढ़िया काम किए हैं? 5 किलो राशन देते हैं, 5 किलो राशन, वैसे गेहूं चावल लोग नमक से खाई के पड़ा रही है। शौचालय गाँव का घर घर बनवा, शौचालय कहाँ बना बा? बिजली व्यवस्था सुधार दी है, सड़क बना दी है, कहाँ छूट बा बिजली? अरे मिले तो छूट ना है, बिजली मिले तो है, रास्ता उस्ता बन गया बाप, इतना बढ़िया रोड बना, रास्ता बन गया, लेकिन बिजली ना छूट बना, छूट ना है ना, बिजली में भी छूट चाहते हैं। हाँ तब का। और सरकार अयोध्या में मंदिर बनवाए दिए सरकार, जो कोर्ट फैसला आएगी। मंदिर तो बना है, सही बात है, गलत थोड़ी है, लेकिन और जनता परेशान है ना। क्या क्या परेशानी बा? गरीबी बा, महंगाई बा, एक सुधार ना कह सकते हैं, एक सुधार ना कह पाते हैं ना, महंगाई है, गरीबी है, उसको सुधार नहीं कर पा रहे हैं। तो ये तो राज बहादुर भाई का ये सब कहा था सही? राज बहादुर कहा था? हाँ सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। तो के जीते की स्थिति में बा मछली शहर में? सपा जीतेगी। सपा जीत जाएगी? जीत जाएगी। बीपी सर वो सांसद रहे, उनका काम तो बढ़िया रहे? बिल्कुल काम नहीं किए हैं। हाँ? कभी क्षेत्र में आते ही नहीं है। क्षेत्र में आते नहीं है? नहीं नहीं नहीं। अच्छा अच्छा जी, यहाँ विरोध था बड़ा लोगों का कि जो है ब्राह्मण ठाकुर भी कुछ नाराज है, क्या वो नाराजगी बा? नाराज तो दिखते हैं बीपी सरो से? बीपी सरो से ब्राह्मण ठाकुर नाराज दिखते हैं कुछ। अच्छा, सच्चाई है कि बस केवल हवा में है कि नाराज है? नहीं, नाराज है, नाराज है, नाराज है। अच्छा, देखिए मेरी मौजूदगी जो है मछली शहर लोकसभा क्षेत्र के ये भटहर गांव में है, यहाँ जो है प्रजापति लोग भी थे, कुछ यादव, कुछ ब्राह्मण और चौहान से बात हमारी हुई है। ये साफ साफ इनका कहना है कि सरकार के 5 किलो राशन से संतुष्टि नहीं है। लोगों का सबसे बड़ी चीज़ माहौल में जानने का प्रयास कर रहा हूँ, सबसे बड़ी चीज़ चाहे वो पढ़ी लिखी महिला हों, चाहे अनपढ़ महिला हों, चाहे गाँव के ग्रामीण हों, बेरोजगारी का एक मुद्दा जो है बहुत प्रमुख है। जो बेरोजगारी के मुद्दे की ही बात हर जगह हो रही है, लोग सरकार से रोजगार चाहते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।